हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ मेरा अभी 2024 का फर्स्ट जैन से लेके अभी तक का पीएनएल स्टेटमेंट शेयर करने वाला हूं, बिकॉज दिस इज़ द टफेस्ट टाइम आई एम फेसिंग और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मैं पिछले दो महीने से कर रहा हूं ट्रेडिंग में, स्पेशली इन स्विंग ट्रेडिंग, और मैं कैश में ही कर रहा हूं पूरा स्विंग ट्रेडिंग। सो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं। तो आप लोग को रियलिटी बताना भी ज़रूरी है कि इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि सेम फेज हमेशा रहता है, हमेशा प्रॉफिट्स बनते हैं। एक ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स दिखाने की बात है तो वो तो सब दिखा देते हैं, बट जब बात आती है कि एक एक्चुअल वर्चुअल रियलिटी की बात आती है तो दैट इज़ सम डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। और यहाँ पे माइंडसेट एंड साइकोलॉजी की बात नहीं है, यहाँ पे मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। माइंडसेट साइकोलॉजी की प्रॉब्लम आती है ऑप्शन बाइंग में। एंड लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर फर्स्ट कि बहुत ज़्यादा हो सकता है काफ़ी लोग कॉमेंट्स में मुझे ट्रोल करेंगे, बट इट्स टोटली फाइन बिकॉज धीरे धीरे उनको चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन जो ऑलरेडी पुराने व्यूअर्स हैं उनको मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप भी बहुत टाइम से अभी लाइक जैसा मार्केट देख रहे हैं कि जो मार्केट ने हाई अपना बनाया हुआ था, अभी जिस मार्केट जिस रेंज पे अभी मार्केट है, 16 जनवरी को आप देख लो, 15 जनवरी को जहाँ मार्केट था, जहाँ पे निफ्टी था, दैट इज़ अराउंड 21,115 की लेवल पे, 22,115 की लेवल पे, मार्केट अभी भी वहीं पे है और उससे थोड़ा सा नीचे है। मतलब दो महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और निफ्टी ने अपना यहाँ पे रेंज ब्रेक नहीं किया है। बीच में थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे हाई बनाया था, ज़रूर बनाया था, बहुत अच्छा मोमेंटम भी आया था, बट उसके बाद से अगेन द सेम थिंग कि मार्केट में मोमेंटम मिल ही नहीं रहा है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ है। मार्केट तो निफ्टी तो सेम सबके साथ ही रिएक्ट करेगा, एक ही इंडाइसेस है। तो यहाँ पे देखो उसी रेंज में भी मार्केट फंसा हुआ है। तो दैट्स वाई यहाँ पे स्टॉक्स लाइक मेजरली मैं अगर स्टॉक्स में कर रहा हूँ, कैसे स्टॉक्स में, तो उसमें प्रॉफिट्स इसलिए नहीं आ रहे हैं बिकॉज निफ्टी में उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स में करता शॉर्ट सेलिंग या फिर बाइंग, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तो इट्स टोटली आई विल से कि यार बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैप अप्स गैप डाउन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी ऐसा हो रहा है कि मार्केट हमें 200-250 पॉइंट्स, अभी रिसेंटली 170 पॉइंट्स हमें निफ्टी ऊपर गैप अप मिला, स्टॉक्स 5-5% भागे, अगले दिन मार्केट नीचे आ गया, स्टॉक 10-10% तक फॉल हुए। तो ऐसे फेज में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है फ्यूचर्स में ट्रेड करना, इसलिए मैं कैश में कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो रेंज वही है कि जहाँ मार्केट था वहीं पे अभी भी बना हुआ है। तो अभी कोई रैली नहीं आई है, इसके बाद फॉल किया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर लेकिन सेम सिनेरियो वही चल रहा है, कुछ भी यहाँ पे चीज़ें चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं आपको पीएनएल की तरफ ले चलता हूँ और पीएनएल दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि कई बार चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो या नॉर्मल ट्रेडिंग काफ़ी हैवी ब्रोकरेज लगता है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एम स्टॉक। यहाँ पे आपको कोई ब्रोकरेज और ना ही कोई कमीशन देना होगा। और अगर आप मेरी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, बाइंग या फिर आप इंट्राडे करते हैं और तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा इनका 999 वाला प्लान। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे यहाँ पर मेरे हर ट्रेड पर जैसे डिलीवरी, म्यूचुअल फंड्स, FNO, IPO, करेंसी पर जीरो ब्रोकरेज देनी होगी। और हाँ, अगर आपको AMC भी वेव ऑफ कराना है तो आप इनका वन टाइम फीस 999 देके आपका AMC लाइफ टाइम फ्री करवा सकते। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट से अकाउंट ओपन करना है तो फिर अकाउंट तो फ्री में खुल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रोकरेज ऑफ ₹20 एप्लीकेबल ऑन इंट्राडे, FNO एंड करेंसी। एम स्टॉक पर अभी तक 40 करोड़ ट्रेड पंच हो चुके हैं पिछले एक साल में। ट्रेडर्स 145 करोड़ ब्रोकरेज प्लस अमाउंट की सेविंग्स हुई है एंड 1100 करोड़ MTF बुक हो चुके हैं। इनकी रिटेल क्लाइंट होल्डिंग है 3800 करोड़ प्लस हो चुकी है। इसके अलावा ऐप में कुछ फीचर्स हैं जैसे वन क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, वन क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, वॉइस सर्च और प्री डिजाइंड इंडेक्स बास्केट्स। आपको मिलता है एक क्लिक से पूरे मार्केट इंडाइसेस में इन्वेस्ट करने का मौका। ये कंपनी मीरा एसेट से जुड़ी हुई है जो कि एक बड़ा फंड हाउस है, इसलिए आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक एम स्टॉक पे 2.5 लाख प्लस पेड कस्टमर्स हो चुके हैं विथ अ टोटल टर्नओवर ऑफ 4,28,000 करोड़। मैं एम स्टॉक से रिलेटेड सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, आप वहाँ से एम स्टॉक को एक्सप्लोर करके इसके बेनिफिट्स और ब्रोकरेज फी के बारे में जान सकते हैं। चलिए तो पीएनएल में हम आ जाते हैं और मैं मंथ बाय मंथ दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा ना लगे कि यार कि मंथ बाय मंथ मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 जैन से 31 जैन तक हम देख लेते हैं। इक्विटी ये मेरी आईडी है, ठीक है। 1 जैन में अगर आप देख लोगे तो हमने 1.19 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था, यानी कि टोटल 1,09,000 रुपये के आसपास का हमने प्रॉफिट बुक किया था। और अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने एक भी लॉस बुक नहीं किया था, यानी कि सभी के सभी ट्रेड्स प्रॉफिट में बुक किए थे। और ये अनरियलाइज्ड मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए हो गया था, बिकॉज फिर स्टॉक्स फॉल करना, जैसा मैंने बताया 15-16 जनवरी के बाद से स्टॉक्स गिरना स्टार्ट हो गए थे। तो 1 लाख रुपये हमने यहाँ पे जनवरी में बुक किया नेट प्रॉफिट, ठीक है।
और कैपिटल कितना यूज़ कर रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कैपिटल देखो अब ये रिटर्न्स 1 लाख रुपए, अगर मैं 1 लाख के ऊपर 1 लाख बनाऊँ तो 100% है, 1 CR के ऊपर 1 लाख बनाऊँ तो 1% है, ये जो मैंने प्रॉफिट किया है ये मैंने 10 लाख रुपीज़ के कैपिटल से किया है। मैं 10 लाख रुपए से कर रहा था फेब्रवरी तक, मार्च में मैंने 10 लाख रुपीज़ और ऐड किया, मतलब 20 लाख से मैंने मार्च में किया है, अदरवाइज मैंने जनवरी और फेब्रवरी में 10 10 लाख रुपए का कैपिटल यूज़ किया। ठीक है, इसके बाद अभी हम आ जाते हैं फेब में, तो फेब में फर्स्ट फेब टू 29th फेब, अगर फेब मंथ में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लॉस बुक किया था 74,000 का नेट लॉस था, रियलाइज लॉस था ब्रोकरेज मिला के दैट इज़ अराउंड 83,000 रुपीज़, मतलब 83,000 रुपये का हमने लॉस बुक किया। और लॉस आप देखो तो ACC में, बजाज इंस वगैरह में इन्हें लॉस बुक करना पड़ा बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स बहुत ज़्यादा फॉल कर रहे थे, तो इसलिए मुझे इनमें स्पेशली लॉस बुक करना पड़ा, अदरवाइज ये और ज़्यादा बड़ा लॉस मुझे दे सकते थे। और इसके बाद मैंने 10 लाख रुपीज़ और डिप्लॉय किए, मतलब मैं 10 लाख रुपये से स्विंग कर रहा था, मैंने 10, और जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है आप लोगों को मैं स्मॉल केस पे दिखाता हूँ, एक आप स्टॉक्स पे है, तो उसमें मैंने मेजरली अपना कैपिटल डाल रखा। मैंने इस टाइम पे फरवरी मंथ में मैंने 10 लाख रुपीज़ और डिप्लॉय कर दिया क्योंकि मार्केट फॉल कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि और करेक्शन आ सकता है, इसलिए आप देखो अनरियलाइज्ड मेरा जो लॉस था वो 3.64 लाख पहुंच गया, मतलब ये मैंने बुक नहीं किया, ये मेरे PNL में शो करने लगा था बिकॉज उस टाइम तक मैं 20 लाख रुपीज़ डिप्लॉय कर चुका था, तो 20 लाख पे 3.64 लाख का लॉस दिखने लगा था बिकॉज स्टॉक्स बहुत ज़्यादा फॉल कर रहे थे। राइट, आफ्टर दैट अब हम चलते हैं मार्च में कि मार्च में कैसा क्या हाल है। ठीक है, मार्च तो अभी रनिंग है, अभी हम फर्स्ट ऑफ मार्च से, ठीक है, फर्स्ट ऑफ मार्च से 24th ऑफ मार्च आज है, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी तक 21,000 रुपये का नेट लॉस है, यानी कि एक जनवरी में, जनवरी मंथ में प्रॉफिटेबल गया, फरवरी मंथ लॉस में गया, और अभी मार्च का है इसमें भी अभी 21,000 फिलहाल लॉस दिखाई दे रहा है। अभी मंथ कंप्लीट नहीं हुआ है बट स्टिल आई थिंक कि क्लोजिंग इसकी शायद प्रॉफिट में मैं कर लूँगा जितना मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि 1 जनवरी से मैं नेट दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में हम कितने प्रॉफिट पे या फिर लॉस पे बैठे हुए हैं। ठीक है, 1 जनवरी से 24 मार्च तक आप देखोगे तो हम सिर्फ 5,000 नेट प्रॉफिट पे हैं। ठीक है, आई नो कि यार लगेगा 5,000 रुपये तो चाय पानी का खर्चा हो जाता है महीने का, आई नो, बट इट्स लाइक ये नेट रियलाइज 34,000 है, ब्रोकरेज 29,000 है, इसमें एक्चुअल ब्रोकरेज नहीं है, इसमें STT ट्रांजेक्शन के चार्जेस हाई हैं बिकॉज ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो बड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा थोड़ा यहाँ पे चार्जेस कट हो जाते हैं, तो 29K ब्रोकरेज लगी है, अदरवाइज हम 34,000 हम नेट प्रॉफिट में निकले हैं, अभी 5,000 रुपये हमारी जेब में आया है, नथिंग एल्स। ठीक है, और अनरियलाइज में देखोगे तो अभी भी 5,000 रुपये बाकी है बिकॉज मैंने रिसेंटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है 1 लाख से ऊपर का। कितना बुक किया है यहाँ पे, हमने बुक किया था 1,09,000 रुपये का। ठीक है, तो 1,09,000 रुपये का हमने रिसेंटली प्रॉफिट बुक किया था जियो फाइनेंस में एक्चुअली, तो ये उसी का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस क्या है कि काफ़ी लोग के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आपने जो स्विंग स्टॉक्स दिए थे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो पास्ट वीडियोज में स्विंग स्टॉक्स, तो देखो मैं टाइम टू टाइम अपनी PNL दिखाते रहता हूँ, इसका मैं वेरीफाइड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जो मैं स्टॉक्स देते रहता हूँ, अब काफ़ी लोग के मैसेज आते हैं कि वो मोमेंटम ही नहीं कर रहे हैं भाई आपने जो स्टॉक दिया था, तो देखो जब मार्केट ही ऐसा चलेगा तो फिर यार देखो मैं तो कंपनीज को ओन नहीं करता हूँ ना कि मैं उसमें कुछ प्रमोटर्स की होल्डिंग है मेरे पास तो मैं कुछ न्यूज़ व्यूज़ ला के उसको बढ़ा दूंगा, मैं भी एक आपकी तरह सिंपल सीधा साधा इन्वेस्टर हूँ भाई और एक स्विंग ट्रेडर हूँ, जहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है तो ट्रेड करता हूँ, नहीं दिखती है तो जो मेरे स्टॉक्स हैं जो होल्डिंग है एग्जिस्टिंग है उनकी लेवल्स में फॉलो करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लॉस बुक करने का रीज़न क्या था, जैसे यहाँ पे मैंने 1,08,000 का लॉस बुक किया, क्या रीज़न था, जस्ट बिकॉज मार्केट इतना ज़्यादा फॉल कर रहा था और स्पेशली ये इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ज़्यादा थे। अब अगर मिड कैप स्मॉल कैप में होल्ड करता और वो 25-30% गिर जाते, मुझे अच्छे से पता है मैं 6 महीने 8 महीने के लिए फंस जाता, इसलिए मैंने उनको टाइम पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, टाटा केमिकल्स का ट्रेड था उसमें भी काफी टाइम लगा, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला, फिर यहाँ पे जियो आया तो जियो में प्रॉफिट मिला, कल एक 25,000 का रिसेंटली प्रॉफिट हुआ, एंजल वन में ही बुक किया। तो अभी स्विंग ट्रेडिंग ऐसी चल रही है ना कि फ्लैट है ऑलमोस्ट, ये साल मेरा अभी फ्लैट जा रहा है पूरा, और देखते हैं अभी मार्च का मंथ के बाद कैसा क्या रहता है। मैं PNL अपडेट करते रहूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, जो भी मैं प्रॉफिट्स करूंगा लॉसेस करूंगा वो मैं PNL अपडेट करते रहूंगा। ठीक है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिगार्डिंग स्टॉक्स। अब मैंने जियो फाइनेंस में प्रॉफिट बुक किया था, मैंने 338 के लेवल्स के आसपास, 338 बोल रहा हूँ, 325 के लेवल्स के आसपास मैंने बाई किया था, 325 कहाँ पे है, 325 अराउंड एट दिस लेवल, तो मतलब मैंने अराउंड एट दिस लेवल 325 पे बाई किया था जियो को।
अच्छा मोमेंटम भी मिला मुझे, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया ड्यू टू ग्रीड। वापस आया, मैंने होल्ड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कल जाके मैंने रिसेंटली इसमें प्रॉफिट बुक कर दिया। अगर मैं यहाँ पे करता तो शायद ये 2-2.5 लैक्स हो सकता था, बट इट्स टोटली फाइन, क्योंकि हमें एक्चुअल में बॉटम और टॉप कभी पता नहीं चलता है कि यार एक्चुअल में ये बॉटम है या फिर ये टॉप है। हमें जब चीज़ें समझ में आती हैं कि यार आप शायद निकल जाना चाहिए, तब तक देर हो जाती है, तो हम कभी भी बॉटम नहीं पकड़ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने जो न्यू ट्रेड लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एंजल वन में भी कुछ प्रॉफिट अभी बुक किया, तो एंजल वन में प्रॉफिट बुक करने का रीज़न, प्रॉफिट बुक करने का बोल रहा हूँ, न्यू स्विंग ट्रेड बनाने का रीज़न ये था। 200 DMA की लेवल्स पे स्टॉक अच्छी खासा आ चुका है और 48% के डिस्काउंट पे है, तो उसको तो मैं कुछ टाइम होल्ड करने वाला हूँ, अभी इतनी जल्दी मैं सेल नहीं करूँगा। और इसके बाद मैं IRFC भी होल्ड कर रहा हूँ। वेयर इज़ IRFC? IRFC में भी बहुत अच्छा आप देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे एक फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा है। अब ये फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो 40% तक के गेंस हमारे हाथ से कहीं नहीं गए, लेकिन हो सकता है मार्केट अभी और करेक्शन मूड दिखा सकता है या फिर इंस्टेंट अपडेट दे सकता है। जो भी चीज़ें होंगी मेरे PNL के रिगार्डिंग मैं सब कुछ अपडेट करते जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि लोग एडिटेड का भी काफ़ी कमेंट करते हैं कि एडिटिंग वगैरह करके दिखा देते हो यार, तो मैं सोचता हूँ यार मुझे क्या ही मिलेगा। अगर एडिटिंग करनी होती तो मैं यहाँ पर कम से कम 5-50 लाख तो दिखाता, तब जाके थोड़ी वजन बढ़ता मेरा भाई, लोग मेरे बारे में बात करते कि 50 लाख का तुलने प्रॉफिट बुक किया है, बट इट्स टोटली नॉट लाइक दैट। ये रियलिटी है कि अगर इस महीने इस साल में अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो इट्स टोटली फाइन। जनवरी मंथ अच्छा गया, ठीक है, हमने प्रॉफिट किया 1 लाख, और उस टाइम पे कैपिटल मेरा एक्चुअल में रीज़न ये है दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन रियल इस्टेट, और रियल इस्टेट में जो अपॉर्चुनिटी थी तो वो मैं मिस नहीं करना चाहता था। इसकी वजह से मैंने रियल इस्टेट में पैसा डाला, तो मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए बाकी थे, बाकी मैंने पूरा रियल इस्टेट में डाल दिया था। तो 10 लाख से मैंने ट्रेडिंग की, फिर जैसे धीरे धीरे कैपिटल आया तो मैंने यहाँ पे 20 लाख डिप्लॉय किया, ठीक है, लेकिन उसी टाइम पे मार्केट और करेक्ट हो गया तो फिर मुझे ये मेजर लॉसेस बुक करने पड़े, लेकिन फिर उसके बाद ये बीच में थोड़े प्रॉफिट्स भी आए हैं अभी, तो मुझे लग रहा है कि मैं मार्च की क्लोजिंग पॉजिटिव नोट पे तो मैंने कर दी है। ये फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ पे एंड हो जाएगा, दैट आई एम प्लानिंग कि अब जो न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, तो मैं टारगेट कर रहा हूँ कि उसमें मैं एटलीस्ट छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करूँगा, ज़्यादा बड़े टारगेट्स मैं प्लान नहीं करूँगा जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, दैट इज़ 4 जून। तो अप्रैल मई जून लगभग अभी 2-2.5 महीने तो अभी ऐसे ही सिनेरियो हो सकता है मार्केट में, ना कोई अप ट्रेंड ना कोई डाउन ट्रेंड, साइडवेज में भी मिल सकता है या फिर फॉल कर सकता है, फिर इंक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमारा पैसा ना डूबे, ठीक है, हमें बस अपने कैपिटल को सेव करके चलना है और कैश में ही स्विंग ट्रेडिंग करो। आई विल सजेस्ट यू गाइस जब तक इलेक्शंस प्रॉपरली नहीं हो जाते हैं, आई मीन रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी वेरीफाइड PNL की लिंक है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। आप देख सकते हो कि ये एक्चुअल में रियल है, इसमें कोई भी फ्रॉडबाजी जैसी चीज़ वैसे इस चैनल पे नहीं होती है, बट फिर भी कुछ लोगों को लगता है तो उनको प्रूफ देना ज़रूरी है। ओके, वेरीफाइड लिंक कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर रखा है, ठीक है। 4,764 रुपये, सो दिस इज़ वॉट आई हैव एक्चुअली यू नो गेन। अगर ये ब्रोकरेज नहीं होती तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लगता, बट इट्स टोटली ओके, कोई नहीं, इसको साल के एंड तक हम एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि जो 2024 का एंड होगा तो वहाँ तक हम इसको एटलीस्ट 30-40 लैक्स तक तो ले जाएँ, ठीक है, एटलीस्ट 40 लैक्स तक तो ले जाएँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और ट्रेडर्स के साथ, सो दैट वो भी यहाँ पे समझ पाए चीज़ों को कि अगर प्रॉफिट्स नहीं बनना है, और ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शंस में जंप कर जाऊँगा इंट्राडे पे क्योंकि मेरे प्रॉफिट स्विंग में नहीं बनना है, उसमें भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या कंडीशन होती है, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, स्विंग ट्रेडिंग में बनता है, ऑप्शन बाइंग में लाखों में एक ही बना पाते हैं। सो पहले आप स्विंग ट्रेडिंग सीख लो, ऑप्शन सेलिंग सीख लो, देन गो टुवर्ड्स द ऑप्शन बाइंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।